ये जो आप देख रहे हैं ये यू का प्लांट है ये, और ये डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, इसकी हम सफाई करेंगे। अच्छा, साफ करके फिर इसको हम एक प्लास्टर की थैली में लगाएंगे। अच्छा, कोशिश करें कि बड़ा से बड़ा साइज इस्तेमाल करें, मतलब 5x8x10 का साइज, प्लास्टर का साइज इस्तेमाल होना चाहिए। ये हम इससे कटिंग कर रहे हैं। हाँ, कटिंग कर रहे हैं। अच्छा, बेहतरीन मौसम है कटिंग का। अच्छा, इसकी हम सफाई करेंगे, और ये जो है ना 100% इनके चांसेस है लगने की, 1% चांस भी नहीं है खराब होने की। अच्छा, और ये इस तरह है कि जब आप इस तरह इसकी सफाई करेंगे तो इससे ये जो पौधा है ना ये मजीद बढ़ जाएगा, ये इसमें ग्रोथ का अमल होगा। हाँ बिल्कुल, ग्रोथ जो है ना बहुत तेजी के साथ ये ग्रोथ करेगा। अच्छा, एक और हमने ले लिया। अगर इस तरह छोटा सा पौधा हो तो उसके लिए आप जो है ना छोटे साइज का प्लास्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 5x8 साइज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आगे जाकर जो है ना हम इसको लगाएंगे प्लास्टिक की थैली में। और इस प्लांट को यूका कहते हैं। ये पौधा भी हम लगाते हैं डेकोरेशन के तौर पर घरों में, दफ्तरों में, स्कूलों वगैरह में। इसमें भी मुख्तलिफ किस्म के वैरायटीज़ होते हैं। आप देख सकते हैं जो सामने पौधा मौजूद है, इसका कलर इससे ज़रा चेंज है, ब्राउन कलर का है। और ये जो है ना बिल्कुल मेरे हाथ में जो पौधा मौजूद है इसका कलर जो है ना बिल्कुल ग्रीन है। ये भी हम कटिंग के थ्रू हासिल कर सकते हैं। कटिंग करने के बाद जो है ना आपने इसके पत्ते जो है ना इस तरह उतारने हैं ताकि ये सही तरह प्लास्टिक के थैले में या गमले में खड़ा हो सके। इसको कटिंग करने के बाद हम इसको एक प्लास्टिक की थैली में या गमले में लगाते हैं, और इसी तरह ये जो है ना आगे जाकर हमको एक नया पौधा देगा।